करनाल में मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था, 13 तारीख को कमल गुप्ता जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो ये कह रहे थे कि नए सिरे से करनाल के हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से करनाल हवाई अड्डे का इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से करनाल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लगातार बार बार ये वादा किया गया कि करनाल में हवाई अड्डे को कमर्शियल रूप दिया जाएगा, यहां पर कमर्शियल उड़ान शुरू की जाएंगी, लेकिन बार बार कभी सर्वे किया जाता है, कभी कहा गया कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो 8 साल लग गए उनको जमीन का अधिग्रहण करने में, फिर कहा जाता है कि चलो इसकी 4 दीवारी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन उड़ान कब शुरू होगी, इसको कमर्शियल हवाई अड्डे का रूप कब दिया जाएगा वो आज तक नहीं बताया गया। 2014 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल में हवाई अड्डा बनाएंगे, हवाई पट्टी को कमर्शियल बनाया जाएगा। 2019 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको कमर्शियल बनाया जाएगा, जो हवाई पट्टी है उसको। 2024 के चुनाव में भी, और आप लोगों ने तो क्या कमाल किया कि पहले भी मुख्यमंत्री यहीं से थे, अब दोबारा नए मुख्यमंत्री आए हैं तो वो भी करनाल से ही हैं, लेकिन दो दो मुख्यमंत्री और दो दो बार सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के लोगों के सपने को कभी पूरा नहीं किया, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें इसी सरकार ने 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो मेट्रो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा करनाल का, 2020 से आज 4 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या काम किया, जमीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की, और इस प्रोजेक्ट पे बहुत धीमी गति से दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, या ये कहें कि सिर्फ कागजों में काम चल रहा है, जमीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि करनाल ने बार बार विश्वास जताया, दो दो बार मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद भी आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को ये इंतजार कराएगी, इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो सीधे सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को दूर रखेगी, और क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके के हवाई स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे और उनको जमीन पे उतारने का काम पूरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ही है और अगर इसी तरह से लोगों के सपनों को चकनाचूर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार लोग अब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता ने मुंह मोड़ने की शुरुआत कर ली है और विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का समय, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी वादे इन लोगों ने पिछले 10 साल में किए हैं, जितने काम करने का इन लोगों ने दम भरा पिछले 10 साल के अंदर, जितनी असुविधाएं पैदा की हैं जनता के लिए, उनको लेकर के अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इनकी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और आम आदमी पार्टी ये काम बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती के साथ करेगी। हम एक एक बूथ पर पूरे हरियाणा के अंदर एक एक बूथ पर हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को हर प्लेटफॉर्म पर पूछेंगे और बहुत जल्द लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद 30 तारीख से करने जा रही है। 30 जून को हम एक महारैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, चरखी दादरी में, जहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आएंगी और इस अभियान का शंखनाद करेंगी। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे
वो एक एक बूथ से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सवाल आएंगे जिनका इन्होंने पिछले 10 सालों में जवाब नहीं दिया।